हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएस महाविद्यालय। आई एम योर एजुकेटर विभा पवार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। कल मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चंस बताए थे, अब इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो एक बार स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जो एक बार स्वयं, जैसे कोई संख्या है 5 भाज्य बढ़ा रहे, जैसे कोई संख्या है 6, वो एक बार 6 के अतिरिक्त किस से विभाजित हो जाएगी? 2 से 3 से 6 से, तो ये कहलाएगी भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8... ये एक बार स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, अतः ये भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आता है अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएँ जो एक बार स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे संख्या है 3, 3 एक और 3 के अलावा किसी और से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। 3 है, 5, 7, 9, लेकिन 9 एक और 9 के अतिरिक्त 3 से विभाजित हो जाएगी, अतः ये भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या होगी। 3, 5, 7, 11, 13, 17... इसी प्रकार से और संख्याएं ये कहला रही हैं अभाज्य संख्याएं। अब आती है संख्या 2। 2 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। यहाँ पर लिख देते हैं संख्या 2 ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है बुक में, गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, आपको मैं इसमें आपको 2 पार्ट बता रही हूँ, बाकी के 3 पार्ट आप लोगों को खुद करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 125, 220, 220 तथा 275 का लासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से कैसे? सबके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 125 के गुणनखंड क्या होंगे? इसमें ना ही 2 से भाग जाएगा, ना ही 3 से, इसमें जाएगा 5 से। 5 × 5 = 10, 2 × 5 = 25, 5 × 25 = 5, 5 × 5 = 5। 125 के गुणनखंड आए हैं 5 × 5 × 5। इसके बाद है 220, इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 × 2 = 0, इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। अब इसमें 5 से भाग जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, फिर इसमें 11 से जाएगा, 11 × 11 = 11। तो 220 के गुणनखंड कितने होंगे, फैक्टर कितने होंगे? 2 × 2 × 5 = 2 × 2 × 5 = 11। इसके बाद थर्ड नंबर है 275, इसमें 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, 11 × 11 = 11। 275 के गुणनखंड कितने हुए? 5 × 5 × 11, 5 × 5 = 11। लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? लासा इक्वल टू, सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो। हाँ, 5 तीनों में कॉमन है, इसको लिख लेंगे। फिर वो संख्या देखेंगे जो 2 में कॉमन हो, ये 5 और 5 2 में कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया। ये 11 और 11 एक बार इसको लिख लेंगे, कॉमन होगा। अब जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उनको लिखा जाएगा,
एक ये 5 बचा हुआ है, 2 गुणे 2। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद 5500। इसके बाद आता है आपका सेकेंड पार्ट, 576 तथा 1440 का लासा ज्ञात करना है। 576 तथा 1440 तथा 1440 गुणनखंड विधि से 576 की गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 कैरी 17 हुआ, 2 8 16, 1 कैरी 2 8 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छको 8, 2 छको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब इसके बाद 1440 गुणनखंड करते हैं। 1440 2 का भाग दिया जाएगा इसमें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, 2 तीया 6, 2 छिंग 12, 0, 2 एकम 2, 2 8 16, 0, 2 नेम 18, 0, 2 चको 8, 2 पंचे 10। अब इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। लासा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 576 के गुणनखंड लिखेंगे। 576 कितने हैं, 6 टाइम्स 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 टाइम्स 2 हो गया, 2 टाइम्स 3 है गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद है 1440, इसके गुणनखंड कितने हैं, 5 टाइम्स 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 टाइम्स 3 है गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। लासा इक्वल टू, तो लासा निकालेंगे, दोनों कॉमन देखेंगे, ये 2 एक बार, इसमें से एक 2 आएगा एक बार, इसमें से एक 2, इन दोनों 2 में से एक 2 आएगा, इन दोनों 2 में से एक 2 आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 आएगा। अब बचा हुआ कितना है, 2 एंड 5, इन सब का मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2880। आप लोग मल्टीप्लाई करा कर देख लीजिएगा। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो बचे हुए 3 पार्ट हैं, 625, 325, 496, 1116, 1000, 1125 के लासा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको 2 पार्ट बताती हूँ, बचे हुए 3 पार्ट्स आप लोगों को करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, भाग विधि से लासा निकालना है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 200, 200, 250 तथा 300 का लासा ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाग विधि से, इसको एक पंक्ति बनाकर लिख लेंगे, 200, 250, 300। इसमें भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 0, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 पंचे 10, 0, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा 125 में, इसमें जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 50 में 2 का भाग जाएगा, 25 टाइम 125, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 75 में भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 का जाता है भाग किसी में, 75 में जाएगा, 25 ऐसे ही लिख देंगे, 25, 125, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब जाएगा 5 का, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25। फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। फिर 5 का जाएगा 1 1 1, तो लासा इक्वल टू कितना होगा, लासा इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इन सभी संख्याओं का आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कितना आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करा के इसको देखिएगा, 3000, 3000। अब इसका सेकेंड पार्ट है, 102, 68 तथा 136 का लासा ज्ञात करना है भाग विधि से। अब इसको 3 पार्ट जैसे बचे हुए वो आपको करने हैं, 102, 68,
136, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चुको 8, 2 छिंग 12, 1 कैरी 2 एट 16, 2 वर्ष 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 51 में नहीं जाएगा, 34 में जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चुको 8, फिर 2 से जाएगा, 51, 51, 17, इसमें जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अब 17 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 तक 51 में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17, 17, 17, अब भाग जाएगा 17 का, 1, 1, 1, लासा इक्वल टू कितना होगा, लासा इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आएगा, 408। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में स्टार्टिंग का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम समावर्तक को उदाहरण सहित बताइए। तो मैं आप लोगों को लासा की जो विधि है उसको लिखवा चुकी हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ये आपके मैं लिखवा चुकी हूँ, एंड जो सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्याओं का लासा और 3 अंकों की संख्याओं का मासा, जैसे 2 अंकों की संख्याओं का निकालते हैं वैसे ही उसी तरीके से 3 अंकों की संख्याओं का निकालते हैं, आप लोग इसके स्टेप लिख सकते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चंस में है फिफ्थ का फर्स्ट, 101, 901 तथा 1111, गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। तो पहले हम ये गुणनखंड निकालेंगे, 101, 101 में किसका भाग जाएगा, दिस इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, इसमें 101 का ही भाग जाएगा, 101 एक 101, तो 101 के गुणनखंड कितने होंगे, एक लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। अब 901 का निकालते हैं, 901 में कितने का भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 17 का, 17 पन्ना 85, 5 कैरी 51 हुआ, 17 तिया 51, फिर 53 आया, 53 भी प्राइम नंबर, इसमें भी किसी नंबर का भाग नहीं जाएगा, 53 एकम 53, मतलब अभाज्य संख्या है। तो 901 के गुणनखंड कितने आए, 901 के गुणनखंड आए हैं 17 गुणे 53, 1111, इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का, 11 एकम 11, फिर एक में जाएगा नहीं, 11 में देंगे, यहाँ 0 आएगा, 11 एकम 11, 101 आया, 101 प्राइम नंबर है, 101 में 101 का भाग जाएगा, 101 एकम 101, तो 1111 के गुणनखंड कितने आए, 11 गुणे 101। क्या कोई ऐसा मासा ज्ञात करना है, मासा में ये देखते हैं कि तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, इसमें एक लिख सकते हैं, इसमें भी एक इंटू में लिख सकते हैं, मासा इक्वल टू तीनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन हो एक के अलावा, तो केवल एक ही उसका मासा होगा। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, मासा ज्ञात करना है 184 तथा 144 का गुणनखंड विधि से, 184 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 ने 18 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब इसमें 23 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का भाग जाएगा, 23 एकम 23, 144, 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, दुर्वट 16, 2 ने 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 184 गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23, एंड 144 गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आप कॉमन देखिए, मासा निकालने के लिए दोनों में कॉमन संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 2 2 2 2 4 2 8, तो मासा ऑफ द 184 एंड 144 इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बचे हुए 3 पार्ट आप लोगों को खुद करने हैं, 2 पार्ट बचे हुए हैं, थर्ड पार्ट इसका 120,
तथा 168 तमाशा निकालना है एंड फोर्थ पार्ट में 430, 516 तथा 817 का लासा निकालना है। अब इसका सिक्स पार्ट देखिए, भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। सिक्स का फर्स्ट पार्ट है 625, 3125 तथा 15625 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है। भाग विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 625 का भाग इससे बड़ी संख्या 3125 में देंगे। कितनी बार जाएगा निकाल कर देख लीजिए, पांच बार 3125 जीरो आया। अब 625 का भाग किसमें देंगे, सबसे बड़ी संख्या 15625 में। पहले 625 का भाग चार संख्याओं में देंगे, 15 62 में कितने बार जाएगा, दो बार, 5 2 10 की जीरो कैरी वन, 2 2 4 और 1 5, 6 2 12 कितना आया, 2 1 3। अब 312 पाँच बचा, 625 से 3125 में कितने बार भाग जाएगा, पांच बार 3125। तो मासा कितना निकल के आया भाग विधि से, 625। मासा इक्वल टू 625। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में मासा निकालना है 632, 790 तथा 869 का, 869 का सबसे छोटी संख्या है 632। 632 का भाग देंगे इससे बड़ी संख्या 790 में, एक बार जाएगा 632, 8 यहाँ पर 8 बचा, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट 5, 7 से 6 1। 158 का भाग 632 में देंगे कितनी बार जाएगा निकाल कर देख लीजिए, पांच बार 8 5 40, 8 45 का जीरो कैरी 4, 5 25, 4 29, 3 9 कैरी 2, 5 1 5, 6 7 ज़्यादा हो गया, चार बार करके देख लीजिए, 8 4 32 का 2 कैरी 3, 5 6 20, 3 23 का 3 कैरी 2, 4 1 4, 5 6 632, चार बार जाएगा 632, पूरा चला गया, रिमाइंडर आया 0। अब 158 का भाग सबसे बड़ी संख्या में दिया जाएगा 869, इसमें देखे देखिए कितने बार जाएगा, 158 बड़े 7 करके देखिए, 8 7 56 की 6 कैरी 5, 7 5 35, 35 5 40 का 0 कैरी 4, 7 1 7, 7 4 11 ज़्यादा हो गया, 6 बार, 5 बार करके देख लीजिए, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 5 5 25, 25 4 29 की 9 कैरी 2, 5 1 5, 6 7, 790, 9 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करना है कितना आएगा, 7 7 बचा। अब 79 का भाग देंगे 158 में कितने बार जाएगा, 79 2 9 2 18 की 8 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, पूरा रिमाइंडर आया 0। तो मासा इक्वल टू कितना आया, 79। अब इसका क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी के लिए क्या निकालते हैं, लासा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपको 20, 25, 40 का लासा निकालना है। तो 20, 25, 40 के फैक्टर निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 10 25 20, फिर 2 का भाग देंगे 5 25 10, फिर 2 का भाग देंगे 5 25 5, 5 का भाग दिया जाएगा 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, फिर 5 का 1 1 1। लासा इक्वल टू सबका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, आप इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई कराने का 2 2 4 2 8, 8 5 40 और 40 5 200, 200। अब इसका 8th क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर
प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालना है? मासा। तो आपको एट क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का क्या निकालना है? मासा। एट क्वेश्चन 590, 908, 1014, इसमें आपको निकालना है मासा। तो चाहे आप भाग विधि से निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि का यूज करते हैं, 590 का भाग देंगे 908 में। एक बार जाएगा 590, 8, 10 में से 9 गया 1, 9 की जगह 8 में से 5 गया 3, 318 का भाग देंगे 590 में। एक बार जाएगा 2, 9 की जगह 8 से 1, 7, 5 से 3, 2, 272। 272 का भाग देंगे 318 में, फिर एक बार जाएगा, सबट्रैक्ट कर दीजिए 6, 11 से 7 सबट्रैक्ट किया जाएगा, कितना बचेगा? 4, 3 की जगह 2। अब 46 का भाग देंगे 272 में, कितने बार जाएगा निकाल कर देख लीजिए। 46 का मल्टीप्लाई करके 6 बार ज़्यादा हो गया, 5 बार जाएगा 230, 2, 4। अब 42 का भाग देंगे 46 में, एक बार जाएगा 42 एकम 42, 4, 4 का भाग देंगे 42 में, 4 एकम 4, 2 बचा, अब 2 में भाग नहीं जाएगा, 4 पंचे 20। अब 4 का भाग दिया जाएगा 1014 में, अब 4 का भाग दिया जाएगा 1014 में, 4 का भाग 1014 में देंगे। तो 4 का भाग पहले 10 में देंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 1 आया नीचे, 4 पंचे 20, यहाँ पर 1 बचा, फिर 4 आया, 4 तिया 12, 2 बचा, रिमाइंडर आया 2। अब 2 का भाग दिया जाएगा इसमें 4 में, 2 दूनी 4, तो मासा कितना आया? 2। मतलब आपसे पूछा गया था कि वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो वो संख्या आपकी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 2। अगर आप 2 का इन तीनों में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर सेम आएगा। दो तीनों इवन संख्याएं हैं, 2 का तीनों में डिवाइड जाएगा तो रिमाइंडर आएगा आपका 0। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप लोग अध्याय 1 तैयार कर लीजिए। थैंक यू।